Today, in the subject of the manufacturing process, we will describe the CNC, computer numerical control. Yesterday, we have seen the difference between CNC, NC, and the DNC. They are the six elements of the CNC system. ये छह element है CNC system के. छह आपको element है. पहला एलिमेंट है पार्ट प्रोग्राम. पार्ट प्रोग्राम बनाना पड़ता है सीएनसी में. दूसरा है प्रोग्राम इनपुट डिवाइस. प्रोग्राम को कैसे इनपुट डिवाइस है जो आपको सीएनसी में इनपुट करना पड़ता है. तीसरा है मशीन कंट्रोल यूनिट जो कि सीएनसी मशीन को कंट्रोल करता है. और चौथा है ड्राइव सिस्टम. व्हाट आर द डिफरेंट ड्राइव सिस्टम आर देयर इन द सीएनसी. कैसे ड्राइव होता है. और पांचवा है मशीन टूल. व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स आर यूज इन केस ऑफ द सीएनसी. एंड छठा है फीडबैक सिस्टम. फीडबैक सिस्टम किसी भी के लिए लेना जरूरी है कि हाउ द फंक्शनिंग इज गोइंग ऑन. तो ये आपको छह एलिमेंट है आपको सीएनसी मशीन का, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे.
पार्ट प्रोग्राम क्या है, ये आपको सीरीज ऑफ द कोडेड इंस्ट्रक्शन है, पार्ट प्रोग्राम कोडेड इंस्ट्रक्शन है, आपको प्रोग्रामिंग किया जाता है कंप्यूटर पे, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ द मशीन टूल एंड ऑन ऑफ कंट्रोल ऑफ द स्पिंडल रोटेशन, कूलेंट का ऑन ऑफ कंट्रोल के लिए और प्रोड्यूसिंग ऑफ द पार्ट के लिए, ये आपको पार्ट प्रोग्राम आपको यूज किया जाता है ना, प्रोग्रामिंग किया जाता है, प्रोग्रामिंग किया हुआ जाता है। ये छोटा सा आपको प्रोग्राम यहां पर आपको तीन लाइन का आपको दिखाया गया है। द बेसिक कोडेड इंस्ट्रक्शंस आर जो प्रोग्रामिंग में कोड्स यूज किए जाते हैं, बेसिक कमांड्स में कोड्स यूज किए जाते हैं। कौन कौन सा कोड्स यूज किए जाते हैं, ये आपको यहां पर चार तरह के कोड्स आपको यूज किए जाते हैं, वो आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। जी कोड्स, एम कोड्स, टी फंक्शन एंड द एफ फंक्शन, है ना, ये चार तरह के कोड्स आपको प्रोग्रामिंग में आपको यूज किए जाते हैं। एनी पार्ट प्रोग्राम सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड इज कोडेड फ्रॉम दीज इंस्ट्रक्शन, है ना। और आपको ये जो आपको यहां पर आपको दिखाया गया है G01 लीनियर इंटरपोलेशन मोड, एक्स का आपको एक्स डायमेंशन कितना मूव करेगा उसके बारे में है, F15 फीड रेट उसमें कितना देगा उसके बारे में है, है ना। तो जो कोडेड इंस्ट्रक्शन है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ द लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स एंड अरेंज्ड इन द फॉर्मेट ऑफ द फंक्शनल वर्ड्स एंड द ब्लॉक्स, उसके बारे में आपको फंक्शनल वर्ड एंड ब्लॉक्स के बारे में आपको एडिट किया गया है ना, ये आपको यहां पर लिखा गया है N5G00XY, ये आपको यहां पर प्रोग्राम आपको यहां पर आपको लिखा गया है ना। उसका मीनिंग क्या है यहां पर आपको समझाया गया है, N5 का मतलब है सीक्वेंस नंबर, G00 का मतलब है रैपिड ट्रांसवर्स मोड, X2.0 का है एक्स कोऑर्डिनेट, Y3.0 का है वाई कोऑर्डिनेट, S1000 का है स्पिंडल रेट, M3 का है स्पिंडल ऑन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। ये आपको पार्ट प्रोग्राम के बारे में आपको यहां पर आपको जानकारी आपको दिया जा रहा है ना। तो यहां पर 4 मेथड्स ऑफ जनरेटिंग द सीएनसी पार्ट प्रोग्राम, मैनुअल प्रोग्रामिंग मेथड, कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्रामिंग मेथड, कन्वर्सनल प्रोग्रामिंग मेथड एंड क्रिएट कैम प्रोग्रामिंग मेथड, है ना। ये सारे आपको चार प्रोग्रामिंग मेथड है, ये सभी में जी कोड्स, एम कोड, टी फंक्शन एंड एफ फंक्शंस आर ब्लॉक बाय ब्लॉक आपको यूज किया जाता है ना, ये आपको कंप्यूटर प्रोग्राम में आपको यूज किया जाता है। तो ये चार मेथड है आपको कंप्यूटर प्रोग्राम अलाउज प्रोग्रामर टू प्री डिफाइन पार्ट ज्योमेट्री को, टूल पाथ मूवमेंट को और एक्जुलरी फंक्शन को, ये सारे उसमें आपको आपको इसमें आपको बताया जाता है। ये आपको पार्ट प्रोग्राम है, पार्ट प्रोग्राम का सिंपल आपको यहाँ पर फॉर्मेट आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है और आपको एग्जाम्पल आपको पार्ट प्रोग्राम का बाद में आपको बताया जाएगा। पहले आप एलिमेंट को समझिए कि सीएनसी में क्या क्या आपको एलिमेंट होते हैं। दूसरा है प्रोग्राम इनपुट डिवाइस, जो प्रोग्राम लिखा गया वो कैसे सीएनसी कंट्रोल करेगा कि वो आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। द प्रोग्राम इनपुट डिवाइस इज द मैकेनिज्म यूज्ड टू एंटर द पार्ट प्रोग्राम इनटू द सीएनसी कंट्रोल, सीएनसी कंट्रोल में आपको इंटर करने के लिए आपको ये मैकेनिज्म है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोग्राम इनपुट डिवाइस, क्या क्या डिवाइस है आपको, पंच टेप रिकॉर्डर है, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर है, कंप्यूटर RS-236 कम्युनिकेशन है, NIC कार्ड और नेटवर्क कम्युनिकेशन है ना। ये आपको प्रोग्राम इनपुट डिवाइस है और ये प्रोग्राम इनपुट डिवाइस का आपको फिगर आपको यहां पर आपको दिखाया गया। दिस इज द प्रोग्राम इनपुट डिवाइस, है ना। मैग्नेटिक पंच रीडर है, इससे भी आप जो है
आप मशीन कंट्रोल यूनिट में आप प्रोग्राम इनपुट कर सकते हैं। पंच टेप है उसमें से भी आप मशीन कंट्रोल यूनिट में आप उसमें इनपुट डिवाइस है ये इसमें आप दे सकते हैं। और यहाँ पर ये कंप्यूटर लगा हुआ है, मशीन कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है, ये आपको प्रोग्राम इनपुट डिवाइस है ना। ये दूसरा एलिमेंट है प्रोग्राम इनपुट डिवाइस का, है ना। टेप है, टेप को पंच किया जाता है, यहां पर पंच टेप करके आपको मशीन कंट्रोल यूनिट में आपको डाल दिया जाता है, है ना। पंच रीडर है, आपको पंच टेप करके डाल दिया जाता है, ये पंच रीडर करके आपको ये प्रोग्राम इनपुट डिवाइस है। और तीसरा जो एलिमेंट है सीएनसी का, जो कि बैकबोन है सीएनसी सिस्टम का, वो आपको मशीन कंट्रोल यूनिट है। मशीन कंट्रोल यूनिट है, मशीन कंट्रोल यूनिट है जो आपको बैकबोन है आपको सीएनसी सिस्टम का। इसमें आपको 6 फंक्शंस होते हैं, रीड कोडेड इंस्ट्रक्शन, कोडेड इंस्ट्रक्शन को रीड किया जाता है, डिकोड कोडेड इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, इंप्लीमेंट इंटरपोलेशन टू जनरेट एक्सिस मोशन कमांड, एक्सिस का मोशन कमांड करता है, कौन सा एक्सिस में मूव करेगा उसको ये कमांड करता है, फीड एक्सिस मोशन को कमांड करता है, फीड एक्सिस किधर से किधर मूव करेगा उसको कमांड करता है, फीडबैक सिग्नल को उसको कमांड करता है, स्पीड फॉर इच ड्राइव एक्सिस उसको आपको कमांड करता है, इंप्लीमेंट एक्सिस एक्सिलरी कंट्रोल फंक्शन, एक्सिलरी कंट्रोल को ये आपको कमांड करता है, कूलेंट को ऑन ऑफ करता है, स्पिंडल को ऑन ऑफ करता है, टूल को चेंज करता है, ये आपको मशीन कंट्रोल यूनिट का ये आपको फंक्शन है। टूल को चेंज करना, एक टूल से दूसरे टूल में चेंज करना, ये आपको मशीन कंट्रोल यूनिट का फंक्शन है। स्पिंडल को ऑन ऑफ करना, ये आपको मशीन कंट्रोल यूनिट का फंक्शन है। कूलेंट को ऑन ऑफ करना, ये आपको मशीन कंट्रोल यूनिट का फंक्शन है, है ना। कूलेंट को ऑन ऑफ करना, ये मशीन यूनिट का फंक्शन है। फीडबैक को कंट्रोल करना, फीडबैक को रिसीव करना, सिग्नल देना, कितना फीडबैक देना है, फीड एक्सिस कितना देना है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, रीड को कंट्रोल करना, आपको ये मशीन कंट्रोल यूनिट का ये आपको तीसरा एलिमेंट है। चौथा एलिमेंट है ड्राइव सिस्टम। ड्राइव सिस्टम में व्हाट आर द ड्राइव सिस्टम इन द सीएनसी आर देयर, उसके बारे में आपको बताया जाता है कि कौन कौन सा ड्राइव मोटर्स लगा हुआ है, कौन कौन सा लीड स्क्रू लगा हुआ है और कौन सा सर्किट लगा हुआ है आपको ड्राइव सिस्टम में, आपको सीएनसी में, उसके बारे में आपको ये स्टडी कराता है। दूसरा कंट्रोल सिग्नल्स, कौन कौन सा एम्पलीफायर सर्किट एमसीयू में लगा हुआ है, वो ड्राइव कौन कौन सा है, वो आपको मोटर कौन कौन सा है उसके बारे में आपको ये बताता है, है ना। और टर्न द रोटेट द बॉल लीड स्क्रू टू पोजिशन द मशीन टेबल, उसके बारे में ये आपको डिटेल करता है, ये आपको ड्राइव सिस्टम है, ड्राइव सिस्टम जो आपको सीएनसी में होता है उसके बारे में आपको ये बताता है ना। और पांचवा यूनिट है मशीन टूल, है ना। तो मशीन टूल में आपको वेरियस टाइप्स ऑफ द मशीन टूल्स आपको यूज करता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मशीन टूल इज कंट्रोल, मशीन कंसिस्ट ऑफ द 1-2 एक्सिस मूवमेंट, वर्क हेड मूवमेंट, 1 मोशन एक्सिस जेट पैरेलल टू द वर्क हेड, सम मशीन्स आर इक्विप्ड विद द इंडेक्स टेबल, रोटेटरी मोशन, अ लीनियर एक्सिस, ये आपको मशीन टूल का आपको मूवमेंट को ये आपको डिसाइड करता है, 1 एक्सिस मूवमेंट, 2 एक्सिस मूवमेंट और दो कौन कौन सा इसमें आपको रोटेटरी मोशन है उसके बारे में आपको मशीन टूल में आपको मूवमेंट को ये आपको बताता है, है ना। ये आपको मशीन टूल को आपको यहां पर आपको बताता है, मशीन टूल के बारे में आपको बताता है। और छठा है फीडबैक सिस्टम, ये आपको मेजरिंग सिस्टम है,
ये आपको मेजरिंग सिस्टम है और इसमें ट्रांसड्यूसर यूज किया जाता है टू मॉनिटर द पोजिशन ऑफ द कटिंग टूल एट एनी पार्टिकुलर टाइम। कटिंग टूल कहां पर है, कटिंग टूल को मॉनिटर करने के लिए, उसका सिग्नल गेन करने के लिए, फिर आपको पोजीशन करने के लिए कोई एरर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आपको फीडबैक सिस्टम है ना। ये आपको फीडबैक फीडबैक सिस्टम है। तो ये आपको छह एलिमेंट, पहले आप सीएनसी का आप जानिए कि ये आपको छह एलिमेंट है। आपको फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, ये छह एलिमेंट आपको सीएनसी का आपको कौन कौन सा है, आपको फिर से मैं आपको रिपीट बता देता हूं। सीएनसी मशीन का आपको ये छह एलिमेंट है, एक तो पार्ट प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम इनपुट डिवाइस होगा, मशीन कंट्रोल यूनिट होगा, ड्राइव सिस्टम होगा, मशीन टूल होगा, फीडबैक सिस्टम होगा। ये आपको छह एलिमेंट हैं आपको सीएनसी मशीन के, है ना। छह एलिमेंट के बारे में आपको पार्ट प्रोग्राम मैंने आपको बताया कि इसमें कोडेड इंस्ट्रक्शन होता है, सिर्फ यहां पर आपको ये लाइन आपको बताया गया है, ये एम कोड, जी कोड, टी फंक्शन और एफ फंक्शन, ये एक आपको कोडेड इंस्ट्रक्शन होता है और आपको ये आपको नंबर से आपको कोडिंग किया जाता है और इसका कोडिंग का आपको यहां पर आपको बताया गया है ना। ये आपको पार्ट प्रोग्राम है और दूसरा है प्रोग्राम इनपुट डिवाइस, ये आपको प्रोग्राम इनपुट डिवाइस आपको दिखाया जा रहा है, व्हाट इज द प्रोग्राम इनपुट डिवाइस, उसके बारे में आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है, प्रोग्राम इनपुट डिवाइस के बारे में आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है, ये आपको प्रोग्राम इनपुट डिवाइस है। और तीसरा यूनिट है मशीन कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल करता है उसके ये फंक्शंस हैं, आपको ये छह फंक्शंस हैं, जो रीड करता है कोडेड इंस्ट्रक्शन को, डिकोड करता है कोडेड इंस्ट्रक्शन को और मोशन कमांड करता है, फीड एक्सिस करता है और फीडबैक सिग्नल करता है और कूलेंट को ऑन ऑफ करता है, स्पिंडल को ऑन ऑफ करता है और टूल चेंज करता है, ये आपको मशीन कंट्रोल यूनिट है ना, ये आपको मशीन कंट्रोल यूनिट है। और ये आपको ड्राइव सिस्टम है, ड्राइव सिस्टम में कौन कौन सा आपको मोटर लगा हुआ है, आपको बॉल लीड स्क्रू मेन कंपोनेंट है, एम्पलीफायर सर्किट है, उसके बारे में आपको ये बताता है ड्राइव सिस्टम कौन सा आपको सीएनसी में लगा हुआ है। पांचवा है मशीन टूल है, मशीन टूल में आपको टूल किस एक्सिस में मूव करता है, कौन कौन सा आपको रोटरी मोशंस है, लीनियर एक्सिस है, वो आपको मशीन टूल है, ये पांचवा एलिमेंट है। और छठा एलिमेंट है फीडबैक सिस्टम, ये आपको फीडबैक गेन करता है, इसमें ट्रांसड्यूसर होता है, आपको सिग्नल गेन करता है, आपको करेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द स्पीड एरर, ये आपको छह आपको जो है आपको ये आपको सीएनसी का आपको मशीन एलिमेंट है, ये आपको सीएनसी के बारे में आपको यहां पर आपको बता रहा है ना। व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस आर देयर इन केस ऑफ द सीएनसी, यहां पर आपको बताया गया है। देखिए पांच टेप है, ये डाटा कैरियर है, इनपुट डिवाइस है, टेप रिकॉर्डर है और फिर कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीएनसी में दे दिया जाता है। एक तो हो गया मैग्नेटिक टेप कैसेट है, ये आपको कैसेट रिकॉर्डर है, आपको कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीएनसी में दे दिया गया। कंप्यूटर डिस्क है जो कि आपको माइक्रो कंप्यूटर में दे दिया गया, ये आपको डाटा कैरियर है, ये आपको इनपुट डिवाइस है, जो आपको व्हाट आर द इनपुट डिवाइस, मैंने अभी आपको बताया था कि इनपुट डिवाइस आपको पहला एलिमेंट है, तो ये आपको इनपुट डिवाइस आपको उसके बारे में आपको बता रहा है। दूसरा जो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम ऑफ द सीएनसी, कंट्रोल सिस्टम ऑफ द सीएनसी क्या है, ये पांचवा एलिमेंट था पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम।
ये आपको पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम के बारे में आपको दिखा रहा है, ये स्टार्ट पॉइंट से यहां से करता है, फिर यहां पे जाता है, फिर यहां टारगेट पॉइंट पे जाता है, एक्सियल पाथ लेता है वो। ये आपको पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम बोलता है इसको, ये एक्सियल पाथ लेता है। और दूसरा ये लाइन पाथ है, आपको 45 डिग्री पे ये आपको रहता है और ये आपको 45 डिग्री पे इंक्लाइन करके जाता है, इसको लाइन पाथ बोलते हैं। और ये आपको डायरेक्ट जाता है आपको तो स्टार्ट पॉइंट से टारगेट पॉइंट पे, तो आपको इसको लीनियर पाथ बोलते हैं। ये आपको कंट्रोल सिस्टम है, किस तरह जो है आपको वो आपको कंट्रोल करता है। ये एप्लीकेशन ऑफ द पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना, ये आपको टूल है पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम के बारे में दिखाया गया। जो जो प्रोग्रामिंग होता है ना तो उसमें क्या करते हैं ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। और प्रोग्राम में आपको मशीन टूल आपको ये वर्कपीस है वो आपको पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, है ना। ये आपको पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम है, पहले एक पॉइंट पे जाएगा, फिर दूसरे पॉइंट पे जाएगा, फिर तीसरे पॉइंट पे जाएगा, फिर चौथे पॉइंट पे जाएगा। ये आपको पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम है, उसके बारे में आपको यहां पर आपको बताया गया है ना। तो ये आपको ड्राइव सिस्टम के बारे में आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है कि आपको ड्राइव सिस्टम कौन कौन सा है। ये आपको यहां पर आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, सीएनसी ड्राइव सिस्टम। देखिए सीएनसी का जो आपको ड्राइव सिस्टम है वो यहां पर आपको आपको दिखाया जा रहा है। ये तो इनपुट डिवाइस है जो अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया, ये आपको इनपुट डिवाइस है। ये आपको सीपीयू है, उसमें मेमोरी रहता है, इनपुट आउटपुट आउटपुट रहता है, प्रोग्रामेबल मशीन कंट्रोलर रहता है, कॉमन सिग्नल जनरेटर रहता है, सर्वो ड्राइव एम्पलीफायर रहता है, और ये मशीन से आपको कनेक्टेड रहता है ना। ये सीएनसी का जो ड्राइव सिस्टम है ना, यही आपको यहां पर आपको दिखाया गया। ये आपको मशीन हो गया, लेथ मशीन है या मिलिंग मशीन है या ड्रिलिंग मशीन है ना, जो भी मशीन है आपको यहाँ पे रहेगा। सर्वो ड्राइव एम्पलीफायर रहता है, वो आपको एम्पलीफाई करता है। और ये आपको सीपीयू जो है आपको सिग्नल देता है, यहां पर सिग्नल भेजता है कि करना क्या है मशीन को, है ना। तो ये सीपीयू में जो जो आपको रहता है ना, तो यहां पर आपको दिखाया हुआ है, मेमोरी रहता है, कंट्रोल प्रोग्राम रहता है, सर्विस प्रोग्राम रहता है, पार्ट प्रोग्राम रहता है। मेमोरी में आपको प्रोग्रामिंग रहता है, उसके बारे में आपको बताता है। और ये आपको सिग्नल जनरेट करता है, और आपको इनपुट आउटपुट इंटरफेस रहता है। ये प्रोग्रामेबल मशीन कंट्रोलर है, ऑटोमेटिक टूल है, ऑटोमेटिक टूल चेंज होता है, कूलेंट कंट्रोल यूनिट है, स्विचेस है, इंटरफेसेस है, ये इसके बारे में आपको बताता है। ये आपको सीएनसी का आपको आपको ड्राइव सिस्टम ये आपको यहां पर आपको दिखा रहा है, सीएनसी का ड्राइव सिस्टम के बारे में आपको यहां पर आपको बता रहा है ना। ये आपको सीएनसी का आपको ड्राइव सिस्टम है ना, वो जो अभी आपको मैंने दिखाया था, आपको ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम था, ये क्लोज लूप सीएनसी ड्राइव सिस्टम है, क्लोज लूप है ना, क्लोज लूप ड्राइव सिस्टम है, मेमोरी है, कॉमन सिग्नल जनरेटर है, प्रोग्राम मशीन कंट्रोलर है, इनपुट आउट डिवाइसेस है, और यहां पर आपको ये आपको फीडबैक सिस्टम है। क्लोज लूप में फीडबैक को लिया जाता है, तो कंपैरेटर लगाया जाता है, एरर कमांड लगाया जाता है, टैक इंटरफेस लगाया जाता है, वेलोसिटी फीडबैक लिया जाता है, पोजीशन फीडबैक लिया जाता है। वेलोसिटी फीडबैक क्या हुआ, टेबल कहां मूव कर रहा है, एक्सिस मोटर क्या मूव कर रहा है, और इसका जो है पोजीशन फीडबैक मूव क्या कर रहा है, ये आपको क्लोज लूप सीएनसी आपको ड्राइव सिस्टम है ना। ओपन लूप ड्राइव सिस्टम अभी पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, ये आपको क्लोज लूप ड्राइव सिस्टम के बारे में उसके बारे में ये आपको बता रहा है ना, क्लोज लूप ड्राइव सिस्टम के बारे में ये आपको बता रहा है। जो आपको सीएनसी मशीन के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं,
ये आपके आठ टाइप्स होते हैं सीएनसी मशीन, आठ टाइप का सीएनसी मशीन होता है, मिल्स एंड द मशीनिंग सेंटर। मशीनिंग सेंटर ये कॉमन है, ये जो इंडिया के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ना, आईआईटी हैं, एनआईटी हैं, वो आपको मशीनिंग सेंटर ही रखता है। वो हमारा घुमा हुआ है, आईटी कानपुर भी गया हुआ हूँ, आईटी गुवाहाटी भी गया हुआ हूँ, आईटी बीएचयू भी गया हूँ, आईटी दिल्ली भी गया हूँ। तो ये जो है ना मशीनिंग सेंटर है ना, ये मशीनिंग सेंटर सभी जगह रखे हुए हैं, वो मशीनिंग सेंटर वहां पे रखे हुए है ना। आपके यहाँ जो जो सीएनसी मशीन है ना, वो सीएनसी लेथ है, लेथ का सीएनसी से कनेक्टेड है, वो आपको सीएनसी लेथ है। सीएनसी लेथ और मशीनिंग सेंटर में ये फर्क है ना कि आपका जो सीएनसी मशीनिंग सेंटर है ना, उसमें आपको फॉरवर्ड मोशन भी होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट भी होता है, और हॉरिजॉन्टली भी ट्रेवल करता है। ये आपको मशीनिंग सेंटर है ना। तो ये जो दूसरा ना लेथ है एंड टर्निंग सेंटर है ना, आपके जो कॉलेज में रखा होगा ना, आपने आपने देखा होगा, ये सीएनसी लेथ है, उसको हमने मंगवाया था, चंडीगढ़ से मंगवाया हुआ था, चंडीगढ़ से वो आया हुआ है, चंडीगढ़ का वो मेक है, वो आपको चंडीगढ़ का सीएनसी लेथ है, वहां पर हमने आपको लगवाया हुआ है। तो ये आपको जो आपको आठ क्लासेस के आपके सीएनसी मशीन्स होते हैं, वो आठ क्लासेस के बारे में आपको यहां पर आपको बता रहा है। पहला तो आपको मिल्स होता है, सीएनसी मिल, सीएनसी मिलिंग मशीन और मशीनिंग सेंटर, उसको मशीनिंग सेंटर भी बोलते हैं, मशीनिंग सेंटर या फिर सीएनसी मिलिंग बोलते हैं। दूसरा है लेथ एंड टर्निंग सेंटर, सीएनसी लेथ या फिर टर्निंग सेंटर। तीसरा है एडीएम मशीन, है ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में अभी आपको पढ़ना नहीं है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है। चौथा है ग्राइंडिंग मशीन, सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन। पांचवा है सीएनसी कटिंग मशीन, सीएनसी कटिंग मशीन। और छठा है फैब्रिकेशन मशीन, सीएनसी फैब्रिकेशन मशीन। और सातवां है वेल्डिंग मशीन, सीएनसी वेल्डिंग मशीन। और आठवां है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, ये कोऑर्डिनेट मेजर करता है, ये मेजरिंग के लिए काम आता है। कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन भी काफी महंगी होती है, और ये हर एक टाइप का जो मेजरमेंट है ना, वो आपको कर देता है। तो ये किसी किसी इंडस्ट्री में आपको एनसीआर में कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है ना, कृष्णा मारुति है वहां पर है ना, मिंडा टोयो है उसमें है। तो आपको कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन आपको मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ये आठ तरह के जो है ना आपको सीएनसी मशीन्स होते हैं, आठ तरह के होते हैं, ये आठों का यहां पर आपको नाम दिया गया है। पहला है मिल्स एंड मशीनिंग सेंटर, दूसरा है लेथ्स एंड टर्निंग सेंटर, तीसरा है एडीएम मशीन्स, और चौथा है ग्राइंडिंग मशीन्स, पांचवा है कटिंग मशीन्स, छठा है फैब्रिकेशन मशीन्स, सातवां है वेल्डिंग मशीन्स, और आठवां है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, है ना। ये आपको इसको याद कर लीजिए कि ये आठ तरह के आपको सीएनसी जो मशीन्स होता है, ये आठ तरह के होते हैं, है ना। ये आपको वैभव वगैरह में काम आएगा, और फिर इंडस्ट्री वगैरह में इंडस्ट्री वगैरह का इंटरव्यू वगैरह होगा तो उसमें आपको काम आएगा। ये आठ तरह के सीएनसी मशीन्स आपको होते हैं, है ना, ये आपको आठ तरह के सीएनसी मशीन्स होते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है ये आपको यहां पर आपको बताया गया। एडवांटेज, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट कॉस्ट। देखिए सबसे पहला चीज जो मार्केट में है, जो मल्टीनेशनल कंपनी अडॉप्ट करती है, उनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि प्रोडक्ट कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, हाउ टू लंच द प्रोडक्ट इन द लोएस्ट प्राइस इन द मार्केट, है ना।
आप लोएस्ट प्राइस में आपको मार्केट में रखेंगे तो आपका जो है ना कोई कंप्यूटर आपको आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, ना। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी का, यूनिलीवर का ये टारगेट है। कितनी कितनी साबुन की फैक्ट्रियां बन गई, रिलायंस ने भी शुरू किया था, कितनी साबुन की कंपनियां बन गई, लेकिन यूनिलीवर को हटा नहीं पाया। कारण यही है। बात आपको समझ में आई? रिड्यूस प्रोडक्ट कॉस्ट, ये जो सीएनसी मशीन्स है ना, आपको प्रोडक्ट कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। सबसे ज्यादा आपको एडवांटेज है इसकी, जो आपको प्रोडक्शन, आपको स्पीड है वो सबसे ज्यादा है ना। आप एक सीएनसी लगा लेंगे ना तो 10 जो है नीचे ट्रेडिशनल मशीन्स रहेंगे, वो सारे आपको आप सारे इंडस्ट्री को आप मात दे देंगे। तो ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट का जो रिडक्शन है ना, ये आपको कंपटीटिव है। और आपका जो आप कभी इंटरप्रेनर बनेंगे, आप कभी इंडस्ट्री लगाएंगे तो आप सीएनसी को लगाइए, आपका जो है मार्केट को कैप्चर कर लीजिएगा। यही कारण है यूनिलीवर सस्टेन कर गया। आपको कितनी बोला ना, कितनी कंपनियां आ गई लेकिन वो हटा नहीं पाया। ये आपको प्रोडक्ट कॉस्ट को रिड्यूस करता है, ये आपको मेजर मेजर एडवांटेज है। दूसरा प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी का आपको देता है। जापान जो आगे बन गया ना, आज वर्ल्ड में जापान का जो नाम ले रहे ना, कई क्वालिटी गुरु वहां पे आपको हुआ था, और वो कहता है कि नहीं, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना हमें, है ना। इफ यू अडॉप्ट द फिलोसफी ऑफ द क्वालिटी, आपकी कंपनी सबसे पहले राइज करेगी। आपका डिफेक्टिव आइटम होगा नहीं, आपको वेंडर में आपको आपको कभी रिजेक्ट होगा नहीं। तो ये भी जो आपको एडवांटेज मिल रहा है ना प्रोडक्ट क्वालिटी का, ये आपको सीएनसी से मिल रहा है। तो जब भी आप लगाने का सोचिए ना प्लांट, तो आप सीएनसी को लगाने के सोचिए। आपको मार्केट में सर्वाइवल सबसे ज्यादा आपको आसान है, आपको उससे होगा। दूसरा आपको तीसरा एडवांटेज है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। आपका जो सिस्टम है ना, ये सारे मशीन्स मैंने दिखाया ना आपको, ये आपको बिल्कुल प्रोडक्शन प्लानिंग का, आपने जिस तरह प्लान किया है उस तरह आपका प्रोडक्शन होगा। कंट्रोल भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आपको जो आपको डिमांड है प्रोडक्शन प्लानिंग का और प्रोडक्शन कंट्रोल का, जो आपको इंडस्ट्री फेल हो रही है उसका कारण यही है, उसका तो यहाँ सर इसमें प्रोडक्शन। तो सर एडवांटेज तो है बट डिसएडवांटेज भी तो है ना इसका सर, क्योंकि तो एक ही प्रोडक्ट को हम मतलब ऐसा है उसमें जो एक ही प्रोडक्ट हमें एक प्रोग्रामिंग के से मिलेगा, तो हाँ वो मास यदि क्वांटिटी हमें प्रोडक्शन चाहिए तभी हम इसका मतलब यूज अच्छे से कर पाएंगे और इससे हमारी कॉस्ट जो है वो कम आएगी उस चीज की मटेरियल की। बट ऐसा यदि है जो डिफरेंट मटेरियल हमें करना है तो इसमें तो फिर दिक्कत हो जाएगी उसमें नहीं, पहले आप बार हमारी बार बात को टाइम ध्यान से इंटरवल। सुनिए। आप सीएनसी लेथ में जैसे काम कर रहे हैं, और दोनों का कंपैरिजन कीजिए। जो आपको एक लेथ पे कोई वर्कर काम कर रहा है, वो मान लीजिए एक पार्ट बनाता है, कोई कोई पार्ट बना रहा है, तो नहीं, वो वो तो मैं समझ गया सर, वो समझ गया सर, जो आपको उसमें जो जल्दी हो जाएगा। वो उसको भी अगर पार्ट चेंज करता है तो उसको भी तो टूल चेंज करना पड़ेगा, फंक्शन करना पड़ेगा, सारा चीज चेंज करना पड़ेगा। पहले बात को समझिए। और सीएनसी में तो आपने सिर्फ प्रोग्राम ही तो चेंज किया, टूल तो वहां बिल्कुल सारे लगे हुए हैं, टूल तो वहां सारे लगे हुए हैं। आपने कोडिंग ही तो चेंज किया हार्डवेयर इसमें, और तो कुछ नहीं करा। अब वहां पर तो वर्कर को सारा टूल आपको अलग करना पड़ेगा, टूल आपको निकालना कोडिंग पड़ेगा। सर, कोडिंग बनाने में सर ज्यादा टाइम जाता है या मतलब नॉर्मल टाइम में ही हो जाता है वो? नहीं, मास प्रोडक्शन में तो फायदा है ही, मास प्रोडक्शन के हाँ लिए तो मास ठीक है, लेकिन वो यूनिट तो मैंने प्रोडक्शन जाना। में हाँ भी आपका सीएनसी काम करेगा। जो तो आपका सर, जो एक्यूरेसी है ना, जो यहाँ पर मैंने बात की प्रोडक्ट क्वालिटी की, वो आपको प्रोडक्ट वो क्वालिटी जो सीएनसी में मिलेगा ना, वो दूसरे मशीन्स में, आपको ट्रेडिशनल नहीं मशीन्स में मिलेगा। नहीं हाँ मिलेगा, बिल्कुल है ना। सीएनसी की जो एक्यूरेसी मिलेगी ना आपको, वो दूसरे में नहीं मिलेगा। और चूंकि जैसे ट्रेडिशनल मशीन से काम करेंगे ना, उसमें लोडिंग टाइम है, अनलोडिंग टाइम है, टूल का क्लैंपिंग है, ये टू कूलेंट को ऑफ करो जी, उसको ऑन करो जी, लेबर का कॉस्ट इसमें खर्चा ज्यादा है, आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। आप प्रोडक्ट कॉस्ट आप नहीं मेंटेन कर पाएंगे। जो मैं भी आपको एग्जांपल बता रहा हूं ना,
कि क्यों क्यों यूनिलीवर सस्टेन कर गया, क्यों ये वो सस्टेन कर गया, उसकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो लोएस्ट कॉस्ट में मार्केट को में आपको दे रहा है। और दूसरी कई कंपनियां आई, गोदरेज आया, रिलायंस आया, कितने ने कितना उसके पीछे पड़ा लेकिन नहीं हटा पाया, कारण वही है प्रोडक्ट कॉस्ट। आप लो कॉस्ट में आप मार्केट की स्ट्रेटजी को पकड़ेंगे। ये तो सर सारे जो भी फैक्ट्री के ओनर्स हैं उनकी तो स्ट्रेटजी ही होती है जो कॉस्ट मिनिमाइजेशन, प्रायोरिटी देते हैं उस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रोडक्ट कॉस्ट को आप मिनिमम रखिएगा तो आपका मार्केट में, क्यों चाइना के पीछे जा रहा है, सब जा रहे हैं कि जो है उसका क्वालिटी नहीं भी बेटर रहता है तो चाइना के आइटम क्यों छा गया है वो, आप इसका कारण वही है कि उसके जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, आप कंप्यूटर के जितने भी आप देख लीजिए वो कॉस्ट है, कॉस्ट का जो मेजर है, कॉस्ट मेजर फैक्टर है। जर्मनी का डेल का कंप्यूटर नहीं लेता है, चाइनीज कंप्यूटर सारे आपको इंडिया में छाए हुए हैं, तो कारण वही है प्रोडक्ट कॉस्ट। कॉस्ट को जो है एक मेजर फैक्टर है, मेजर स्ट्रेटजिक डिसीजन है, मेजर पॉलिसी है फॉर टू कंट्रोल इन द मार्केट, है ना। मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर कंपनी को हैंडल करने के लिए आपको जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो आपको मेजर इशू है। और ये जो आपको यूनिट प्रोडक्शन भी करेंगे ना तो आपको ये जो आपको सीएनसी की जो मशीन है ना वो आपको 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 कम कॉस्ट पड़ेगा, है ना। जो और मास प्रोडक्शन में तो है ही, मास प्रोडक्शन में तो आपको तो है ही उसमें जो है आपको कम कॉस्ट पड़ेगा। तो यही कारण है जो आपके जो बड़े बड़े जेंट कंपनी है, आपको मल्टीनेशनल कंपनी है, आप मार्केट में जब भी जाइए ना तो आपको भी स्ट्रेटजी दिया जा रहा है कि आप सीएनसी को एस्टेब्लिश कीजिए, आपको ये सारे एडवांटेज हैं जो कि अनबीटेबल एडवांटेज हैं, जो जिसका कि आपको कंपेरिजन नहीं है, है ना। दूसरा आपका अगला एडवांटेज है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी आपका सबसे ज्यादा रहेगा, आपका प्रोडक्टिविटी आपको इंक्रीज कर जाएगा, ये आपको एडवांटेज है। एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है ना, जैसे मैंने कल भी आपको बता रहा था फोर्ड है, फोर्ड करता क्या है, सिंगापुर से कौन सा मॉडल की ऑर्डर आया, दिल्ली से कौन सा मॉडल का आया, एकदम एजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। वो ये नहीं कहता है कि हमारा ये मॉडल बढ़िया है आप ये मॉडल हमारा ले जाओ, कहता है दिल्ली से जो मॉडल का ऑर्डर आया बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल एजाइल है, फ्लेक्सिबल सीएनसी है ना आपको फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आपको यूज होता है। और ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ये आपको यहां पर बताया गया है। दूसरा आप जो कह रहे हैं ना इसमें आपको लिमिटेशंस हैं, आप जो कह रहे हैं ना कि क्यों कंपनियां यूज नहीं करती है, इसका ये लिमिटेशंस है, ये आपको यहां पे बताया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपको ज्यादा है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है ना वो आपको ज्यादा है, है ना। जो आपको एक लेथ जो आपको करीब हजार का आता है, कई लेथ मैंने इंडस्ट्री 80,000 का आता है, वो आपको बटाला में बनता है, लुधियाना में बनता है, 80,000 से लेकर के शुरू होता है और 1.5-1.5 लाख तक का लेथ आपको मिल जाता है। और देखिए सर फॉर लो प्रोडक्शन इट इज कॉस्टलियर प्रोसेस, यही तो मैं सर बता रहा था पहले, तो इसमें बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है वो नॉर्मल चीजें यदि हम बनाएंगे जो कम ज्यादा कम प्रोडक्शन में, तो इसमें तो बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ता है उसमें, तो ये उसका डिसएडवांटेज होता है। नहीं इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो लगेगा, है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो लगेगा, लेकिन जो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो कंपेरेबल नहीं होगा। आप ट्रेडिशनल मशीन से बनाएंगे और सीएनसी से बनाएंगे, दोनों में कोई कंपेरिजन नहीं है, क्वालिटी का कोई कंपेरिजन नहीं है। जी बिल्कुल, जो अगर मारुति अगर आपको ऑर्डर देता है तो वो भी उसकी क्वालिटी ऑडिट होती है, क्वालिटी चेक होती है, आपके यहाँ मशीन जाके देखेगा कि अगर आपके पास ट्रेडिशनल मशीन है ना तो वो आपको ऑर्डर नहीं देगा, आपके पास कहेगा ना कि सीएनसी मशीन है ना तो वो आपको तुरंत ऑर्डर दे देगा। तो ये लिमिटेशंस हैं उसके, आपको इन्वेस्टमेंट तो लगेगा
इन्वेस्टमेंट तो वो लगता है, जब तक आप अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना। अंबानी भी तो यही किया कि एयरटेल को सारे सारे नोकिया को सबको हटा दिया, इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया जियो में और सारा मोबाइल की कंपनी को उसने ठप कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट तो लगेगा है ना, लेकिन ये आप जो है जितनी भी सराउंडिंग इंडस्ट्री है, सराउंडिंग कंपनी है, आप उसको जो है आप कंट्रोल कर लेंगे और कंपटीटिव प्राइसेस मार्केट में आप देंगे, है ना। ये क्या कह रहा है, लो प्रोडक्शन इट इज कॉस्टलियर। आपको अगर फैक्ट्री ज्यादा दिन के लिए नहीं रखनी है, आपको 6 महीने के लिए आपने कंट्रैक्ट लिया हुआ है, तब आप सीएनसी लेके क्या कीजिएगा। जब लेकिन आपने सोच लिया है कि हमें इंडस्ट्री लगानी है और परमानेंट रखनी है, परमानेंट रखनी है, परमानेंट हमको इंडस्ट्री लगानी है और इंडस्ट्री में परमानेंट हमें आपको रखना है, तो आपको ये सीएनसी आपको बेटर काम आएगा। सीएनसी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, एजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आपको बेटर काम आएगा, ये आपको कंपटीटिव बनाएगा और मार्केट में आपको बिठा देगा, है ना। इसमें मेंटेनेंस भी लगता है, मेंटेनेंस का कॉस्ट अगर दिक्कत होता है कि इसके जो 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 लेबर है, स्किल्ड लेबर आपको मिलते नहीं है उसको आपको ठीक करने के लिए, तो ये आपको लिमिटेशंस हैं। लेकिन जो इसके बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स इसके जो हैं अनबीटेबल हैं, आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको एडवांटेज और ये आपको लिमिटेशंस हैं। पहले मैं आपका अटेंडेंस ले लूं क्योंकि अब टाइम जो है खत्म होने वाला है। नितेश मिश्रा जी 23% अमन सिंह जी 6% मोहित अधाना जी 21% तुषार सैनी जी 33% आशुतोष सिंह जी 12% कुणाल साक्या जी 18% है ना। जो जो प्रेजेंट है फिर से मैं उनका नाम बोल देता हूं, कुणाल साक्या जी हैं 18% आशुतोष सिंह जी 12% तुषार सैनी जी हैं 33% मोहित अधाना जी हैं 21% अमन सिंह जी हैं 6% एंड नितेश मिश्रा जी हैं 23%। तो हम लोग बात कर रहे थे इसके एडवांटेजेज का और लिमिटेशन का। तो ये उसके लिमिटेशन थर्ड वाला रह गया सर। हाँ लिमिटेशन, हाँ लो प्रोडक्शन इट इज कॉस्टलियर प्रोसेस। अगर आपको थोड़ा प्रोडक्शन करना ना, मैंने अभी जैसे बताया कि आपको 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे करना है, 2 महीने के लिए आपको लो प्रोडक्शन है, 15 दिन के लिए करना है, तो आप सीएनसी लेके क्या करें। आपको इंडस्ट्री आपको अगर लगानी है, परमानेंट लगानी है कि नहीं है, हमें इंडस्ट्री परमानेंट लगानी है, हमारा जो है लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो आपको अगर आपको छोटा आपको जॉब बना के देना है कहीं पे, आपको किराए पे लेके करना है, लो प्रोडक्शन करना है, 1-2 पीसेस बनाना है ना, मास प्रोडक्शन में आपको नहीं जाना है कि भाई हम मारुति के हम डायरेक्ट वेंडर नहीं बनेंगे।